गल नहीं है जोनी पुत्र, तू जिदा कहेंगी ना उदी होजूगा, पर इस वेले तेरे दिमाग च चल की रहा है? सब मैं चाहनी हूँ कोई ऐदा दी जगह होवे जिथे पिंड वाले नू आन लगे अपनी पढ़ाई दे नाल नाल कोई होर फायदा वे दिसे, क्योंकि जे असी उन्हां नू कल्ले स्कूल आन ले कहांगे ना उन्हां ने कदे नहीं मनना। फिर की करना चाहिदा है ते किथे बुलाना चाहिदा इन्हां नू? सब जिदा कोई होर जगह, कोई सांझी जगह, कोई कम्युनिटी हॉल वगैरह। वैसे इस गल च दम तां है तेरी, ते सर तुहानू की लगदा है कि सानू ये काम शुरू कर देना चाहिदा है? हाँ कर सकदे, पर ओदे लई पूरी प्लानिंग करनी पैनी है, केड़ी जगह की टाइम ते उहनां लोकां दा की फायदा होएगा। दूसरी गल एदां दी असीं केड़ी चीज करिए कि उहनां लोकां नूं साडे कोल आउण दी खिच पै जाए, जिथे किते भी मेरी हेल्प दी लोड़ पई ना ता बस एक फोन कर देना, मैं हाजिर हो जावांगा। जी सर, थैंक यू सो मच। निर्गुण माता दी जय, निर्गुण माता दी जय, निर्गुण माता दी जय, निर्गुण माता दी जय। ये हंसा दी जोड़ी अजे तक क्यों नहीं है? स्कूल दी छुट्टी होने तो कितना टाइम हो गया? आ गई अजुनी जोड़ा। जय श्री हरि। जय श्री हरि। प्रभु भला करे। माफ करियो माता जी, ओ सानू थोड़ा लेट हो गया, स्कूल दे विच ना आज को जरूरी मीटिंग सी। ए तो बड़ी चंगी गल है कि तुसी अपना काम इमानदारी नाल कर रहे हो। किरत सब तो वड्डा धर्म है, फिर थोड़ी किरत तां आने वाली पीढ़ियां नू अगे वधन दा मौका दिंदी है, ते तुसी समय दा सही उपयोग भी करदे हो। मेरियां सारियां जरूरतां पूरियां करके ही तां तुसी स्कूल गए सी। निर्गुण माता दी जय, निर्गुण माता दी जय, निर्गुण माता दी जय, निर्गुण माता दी जय। टिब नाल ऐदा दी केड़ी गल हो गई जो अजुनी इन्नी खुश है? पता तां लगाने ही पैणा। प्रिया जी, भाभी जी, जेड़िया मैं सब्जियां कहियां सी तुसी ओ मंगवा लिया सी? हां जी भाभी जी। ठीक है, माता जी वास्ते भोजन तुसी बनाना है ना? हां जी भगत जी, दसो। अज पुन्य है ते माता जी अपना खाना खान तो पहला भगवान दे नाम दा भोग वखरा कढ़दे ने, ते ख्याल रखियो भोजन पूरा शुद्ध ते सात्विक होना चाहिदा। हां जी भगत जी, तुसी फिकर ना करो, ते रोज माता जी लई शुद्ध ते सात्विक भोजन मैं ही तैयार करती हूं, ते आज भी होता ही बनेगा जिवें तुसी मैनूं लिस्ट दित्ती सी। भाभी जी मैं सारी सब्जियां धो दित्तियां जी। बहुत चंगा कीता प्रिया, हुण तुसी जाओ, बाकी मैं आपे कर लूंगी। आ मैनूं दे दो। जी भाभी जी। हुण तक तां सारयां ने निर्गुण माता दा सिर्फ प्यार ही देखिया, गुस्सा तां हुण देखण नूं मिलूगा भगतां नूं। भगतो, कदे किसे ने जहाज विच सफर कीता? हाथ खड़े करो। बहुत वधिया, जे तुहानू तुहाडे नाल बैठा बंदा ए कवे कि जेड़े जहाज विच तुसी सफर कर रहे हो ओदा पायलट कोई बहुता सियाणा बंदा नहीं हैगा, ते ना ही ओनू ए पता है कि जहाज किस तरह उड़ाया जाऊगा, ते तुसी की करोगे? फिर ता सीट बेल्ट ते पैराशूट चेक करना पाऊ माता जी। ता जे ओही बंदा किसे होर सवारी नू एही गल कवे ता ओ भी एही कहूगी? हां जी माता जी। ता जे तीजी सवारी उस पायलट दी करवाली होवे फिर? फिर ता समझो ओदी शामत ही आ गई, बीबी ने ता ओदे गाल ही पै जाना। क्योंकि ओ पायलट ओदा घर वाला है ते ओनू अपने घर वाले ते पूरा यकीन है। एदा ही जदों तुसी इस संसार विच विचरदे आ ओ संसार चलाउण वाले ते पूरा यकीन रखदे हो ता फिर तुहानू कोई नहीं डरा सकदा। बड़ी वड्डी वड्डी गल्लां कर रही है माता जी, हुणे पता लग्गा।
लो माता जी ये भोग ले। बस थोड़ा थोड़ा ही पाना सब कुछ। जी जिन्ना तो सिखाओ। लो माता जी करो श्री गणेश। जय श्री हरि। जय श्री हरि। माता जी दे भोजन विच गंडे ते लसन। माता जी नूं 42 साल हो गए। लसन गंडे जां होर किसे भी तरह दे तामसिक भोजन नूं हथ नहीं लाया। तुसी उन्हां नूं लसन दे गंडे खवा दिते। मैं चेक करन आई कि खाना बनया है कि नहीं। नहीं भगत जी, माता जी मैनू लगता है जो कुछ भी होया एक गलती करके होया। किसी ने जान बुझ के नहीं किया होना। माता जी मैं ता आप तुहाडे लई सातवें भोजन बनाया सी। मैनू नहीं पता कि भोजन दे विच प्याज ते लसन कित्थों आए। मैनू माफ कर दो माता जी, मैं तो बहुत वड्डी भूल हो गई। पर तुसी मैनू थोड़ा टाइम दो, मैं तुहाडे लई दोबारा तो भोजन बना के लेके आनी। हुणे लेके आई मैं, कोई लोड़ नहीं हैगी। जो गलती तू कीती है उस रिश्तेदार दी कोई गुंजाइश नहीं हैगी। ये भोजन परोस के तू मेरी सालां दी तपस्या भंग कर दिती, मेरा धर्म प्रश्न कर दिता। नाल इतने आए भगतां दे निसंकोच भोजन करन ते विश्वास नूं भी चूर चूर कर दिता। ना तो यह गलती भुलन वाली है ते ना ही माफ करन वाली है। दोबारा भोजन बनाने की कोई लोड़ नहीं। मैं ऐसे पल तो अन्न जल दा त्याग कर दिया। लसन ते प्याज किने मिलाया दसो भैन जी। बोलो भुआ जी। मेरे को डिगे की कह रहे हो भुआ जी, थोड़े को पै। नहीं नहीं गलती नाल होया होना, सानू सारे नू पता है। तुसी जान के नहीं कर सकते इतनी बड़ी गलती। पर भुआ जी तुसी ता आप मेरे सामने रसोई दे विचो प्याज ते लसन सारे बाहर कड्डे सी ना, ते फिर दोबारा अंदर ले आए, ते गल मनन वाली नहीं है ना। हाँ नूरानी, मैं सारे गंडे लसन कड दित्ते सी पर फ्रिज विच गंडे कट्टियां दी इक कौली पई सी। मैं उन्हूं कूड़ेदान भी सुट्टन लगी तो मैनूं ठेडा लग गया। शायद वीर जी उस वेले सब्जी च डिग गया। नूर हणी नूं मेरे करके बहुत कुछ सुनना पिया। इहदी कोई गलती नहीं, ये मेरी गलती है।
हो सके तो तुसी सारे जाने मैनू माफ कर दो। माता जी असी सारे अज्ञानी हैं, साडी ज्ञान दी गल्लां सानू समझनी हैं, बस अनजाने विच एक गलती हो गई है, यह समझ के तुसी सानू माफ कर दियो। तुसी तां अपने सत्संग विच कहा सी ना कि पश्चाताप दा हफ्ता सारे नूं हुंदा, ते जेठानी जी नूं अपनी गलती सुधारन दा एक मौका तां मिलना ही चाहिदा ना। ठीक है फिर जो मैं सजा देंगी वो भुगत लेगी तेरी जेठानी। हां जी माता जी तुसी मैनु जो भी सजा दोगे मैं वो भुगतन लई तैयार हां। अजूनी पुत्र कहना बड़ा सौखा है पर जदो बंदा पश्चाताप की अग विच सड़दा है ना फिर पता लगता है कम किन्ना औखा है। निर्गुण माता दी जय। निर्गुण माता दी जय। बीपी प्रधान जिंदाबाद। बीपी प्रधान जिंदाबाद। बीपी प्रधान जिंदाबाद। बीपी प्रधान जिंदाबाद। हुन तुसी सारे भी बेफिक्र होके अपने घर जा सकते हो। माता जी एथे ठीक ठाक रहने दी जिम्मेवारी मेरी है, उन्होंने खान पीन का पूरा इंतजाम मैं करांगी। हुन दोबारा एदा दी कोई गलती नहीं होगी। निर्गुण माता दी जय। निर्गुण माता दी जय। बीपी प्रधान जिंदाबाद। बीपी प्रधान जिंदाबाद। बीपी प्रधान जिंदाबाद। माता जी मैं थोड़े लिए भोजन का इंतजाम करती हूँ। हाँ जी तुसी रहन दो जेठानी जी, थोड़ा वर्त शुरू हो गया ना, तुसी जाके आराम करो, खान पीन का सारा इंतजाम मैं आप देख लांगी। शिंदे हाँ जी जाके कोई होर काम कर, जद वेखो कोई जगह बढ़िया रहिंदा है। हुन दसो तुसी इन्ना त्याग क्यों किता? असली कसूरवार दा ना क्यों नहीं लिया चन्नी पुआ? मैं ना ते वीर जी दा दिल तोड़ना चाहुंदी ते ना ही बाजवा परिवार दी शांति भंग करके राजी। वाह बाजवा परिवार दी सब तो स्याणी नौकरानी दी ऐसी सोच दा तां फायदा हुंदा बीबी प्रधान नूं। क्यों नौकरानी जी? मेरा मतलब क्यों पुआ जी? मैं तां पहला भी चुप सी हूं भी चुप ही रहांगी, बस वाहेगुरु अगे अरदास करती हूं कि इस घर का हर जी रिश्तियां का मुल समझ सके। रिश्तियां का मुल तो मैनू चंगी तरह पता है भुआ जी, मैं तो अपने नाल रिश्ता निभाउण वास्ते किसी भी हद तक जा सकती हूं।
लो माता जी की रोटी। बाकी सारे लिए भी खाना लवा दो जी। पापा जी आगे तो सी आ जाओ खाना खा लो। पुत्र जी दरअसल मैनू भूख जी नहीं हैगी, मैं बाद च खा लूंगा। भाभी जी मैं तो आप देखिया नहीं बैंगन का भरता बने अज भी, मैं भी बारों ही कुछ खा लूंगा। सरावत जी आगे तो सी चलो आओ रोटी खाओ। अजकल एदा दी सोच वाले लोग किथे मिलदे ने पुत्र, प्रभु कृपा करे। माता जी तुसी इत्थे किदा? बस ध्यान वास्ते आई सी तुपे। चंगा तुसी ध्यान करो, शाम दे सत्संग वास्ते प्रसादी तैयारी करा देनी है। जय श्री हरि। जी जी हेलो। हेलो अंजित जी। हाँ जी मिसेस बाजवा, मैनू पता है 12 बजे मीटिंग है साड़ी। हाँ जी दरअसल मैं इसे गल करके तुहानू फोन किया सी। ओ आपां नू मीटिंग ना दोबारा करनी पैनी है क्योंकि इना दिनां दे विच मेरा घरों बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। पर कल सवेर नू तो मैं आउट ऑफ स्टेशन चले जाना जी, ते फिर अगले हफ्ते दा रखिए। नहीं नहीं सर, मिलना तो अज या कल ही है, ते उस तो बाद तो पापा जी का जन्मदिन है ना, ते जन्मदिन वाले दिन मैं अपना सारा प्लान उन्हां दे सामने रखना है। मेरा उत्थे जाना भी जरूरी है मिसेस बाजवा। अच्छा किन्ने बजे जाना है तुसी? जी असि कल सवेरे सवेरे मिल लिये था 7 बजे। हाँ जी हाँ जी ठीक है, मैं थानू सवेरे 7 बजे मिलांगी। ठीक है जी। जी ठीक है। रातो रात वो कड़ा भी खाली हो ही जाऊ। सवेरे 7 बजे की गल तू छी थे, 12 बजे तो भी पहला खाली नहीं होना चाहिए वो कड़ा। पल्ले पिया कुछ? की करना है तू? हां जी बीबी प्रधान। बस तुसी एक बारी सारे नु कराड़े ता मारन दियो, फिर हो जाऊ तुहाडा काम।
जे तू घड़े च पानी भरती भी पई सी तो दस तेनू ये काम करने किने कहा सी? बोल वो जी, मैं चुलबुली ए तू आऊ जी बंद कर ते सीधा सीधा दस सारे नू घड़े च पानी क्यों पा रही सी तू? तेनू पता असी इस घर दे नौकरां नू कदे भी नौकरां जिवें नहीं समझिया बल्कि अपने घर का एक जी समझिया उन्हां नू अपने परिवार का हिस्सा मन्निया तो सीधी तरह दस दे तू इत्थे की करन आई सी? मैनू मजबूर ना कर कि मैं तेरे नाल घर के नौकरां वाला वर्ताव करा नहीं तो इस गल का फैसला उदा ही होगा जिदा एक नौकर दे गलती करन ते हुंदा। हेलो। हां जी सर, सर मैनू पता है कि मैं तुहानू क्या सी कि मैं तुहानू मिलन आवांगी सवेरे पर किसी कारण करके मैं तो आ नहीं होया। सर कि तुसी ऐदा कर सकते हो कि तुसी थोड़ी देर होर उडीक कर सकते हो, मैं जिन्नी जल्दी हो सके ना तुहानू मिलन आ जांगी। प्लीज सर। मैं पूरे 4 घंटे वेट किया तुहाडा, जे होगा कर कर सकदा तां जरूर करदा। पहला उन्होंने भी दिता होया ना टाइम, हुण तां अगले हफ्ते ही मिलना पड़ेगा तुहानू। अगले हफ्ते पक्का रखो तुसी। पर सर हेलो की होया जूनी जी, मन्या उड़ी करन? नहीं सर बाबा जी, ते मैनु लगता है कि पापा जी दे जन्मदिन ते इस स्कूल दा प्लान पेश करन दा आइडिया सानू छड़ना ही पैना है। जेठानी जी थोड़े लिए खाना। मन गए थोड़ी जिद नी, मेरा मतलब थोड़े पक्के इरादे नी, शर्त पूरी कर देती तुसी। मैं हुने वेख के आई हां कड़े चो सारा पानी मुक गया है, हुन तुसी खाना खा लो। की होया तुसी दोवे कल दे भुखे तिहाए बैठे हो, फिर भी भुख नहीं लगी तुहानू? नहीं दरानी जी, वो दरअसल मैं किसी जरूरी काम वास्ते बाहर जाना सी ते हुन बहुत देर हो गई। एड्डा भी केड़ा जरूरी काम है जेठानी जी? ओ पापा जी का जन्मदिन आ रहा है, किते उना वास्ते तो कुछ नहीं लेना सी तुसी? चलो कोई गल नहीं, पहला खाना खा लियो। ओ पापा जी तो हर साल वांग अपने जन्मदिन ते दान पुन दा प्रोग्राम ही रखेंगे जिदा उन्हां नूं पसंद है। तुसी खाना खाओ, बाकी इंतजाम मैं आप देख लांगी। सुरावर जी तुसी खाना खा लो, मैनू भुख नहीं लगी अजे। बीबी प्रधान दे हुंदे इन्ने खास मौके ते कोई होर प्रधान बन जावे ए ता नहीं हो सकदा मास्टर जी। हुण ता पापा जी दा जन्मदिन ता मेरे हाथ में मना हो, ओ भी मेरे हिसाब नाल। मेरी सरकार की सोच के खुश हो रही, किधर सपने ला रही है? किधर सपने? ये मतलब है जशन जी? मेरा मतलब है जितना भी तेरी मुस्कुराहट से मैंने लग गया
मेरी सरकार पक्का किसी को पढ़ने लाने बारे ही सोच रही होनी। अच्छा तुसी की पढ़ के आयो, बहुत ज्यादा नहीं चल रहा थोड़ा दिमाग भी ते थोड़ी जुबान भी। पापा जी दे जन्मदिन बारे सोच रही सी, उना दे जन्मदिन दे प्रोग्राम बारे सोच रही सी, दान पुण करना, लंगर लाना, कंबल वंडना, यही सारा कुछ सोच रही सी जब तुसी आके विच अपनी लत अड़ाती। चलो सुनो फिर, हुन पापा जी दे जन्मदिन दा सारा इंतजाम तुसी करोगे, ये सारा सामान कल सवेरे बाजार तो मंगा लियो, तुम सारी तैयारी तुसी करोगे, जन्मदिन तो थोड़े पापा जी दा है ना।